कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचे, इससे पहले बीजेपी की जन आक्रोश रथ यात्रा निकल पड़ी है। आज यानी 2 दिसंबर को भाजपा का जन आक्रोश रथ यात्रा कार्यक्रम राजसमंद स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित हुआ, जहां से राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने राजसमंद जिले के चारों विधानसभा सीट के लिए जन आक्रोश रथों को रवाना किया। पर इस रथ से ज्यादा दिया कुमारी के बयान की चर्चा हो रही है। बताते हैं कि क्या है वो बयान जिस पर सभा में तालियां बजने लगी। उससे पहले ये जान लीजिए कि पूजा करने के बाद रथों को राजसमंद, नाथद्वारा, कुंबलगढ़ और भीम विधानसभा के लिए रवाना किया गया। भाजपा इन रथों के जरिए गहलोत सरकार के 4 साल में घटी घटनाओं को पुरजोर तरीके से उठाएगी, तो वहीं जनता से उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना जाएगा। इन रथों में शिकायत पेटी भी रखी गई है, तो वहीं एक हेल्पलाइन नंबर के साथ वेबसाइट भी जारी की गई। इसके माध्यम से जनता अपनी समस्या भाजपा को बता सकती है। अब सुनिए सांसद दिया कुमारी ने क्या कहा। मैंने ये कह दिया, गलती से मेरी गलती हो गई शायद। ये विधायक जी आप कैसे ले रहे हैं, कलेक्टर चेयरमैन है, कलेक्टर को लेने दीजिए, क्योंकि हम लोग तो पूछेंगे कि पैसे का क्या हुआ, डीएम रेड्डी का करोड़ों का पैसा आता है, कहां गया वो पैसा, तो उनको अच्छा नहीं लगा। अगले दिन कहते हैं कि सिटी पैलेस की मीटिंग हुई। मैंने बोला सिटी पैलेस के अंदर भी कभी आए हो, जरूरत भी पड़ करना कुमारी के इस बयान की चर्चा खूब हो रही है। बता दें कि बीजेपी की जन आक्रोश रथ यात्रा निकल पड़ी है। माना जा रहा है कि ये रथ यात्रा कांग्रेस के लिए दोगुनी समस्या बन सकती है। पहला, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तुलना में ये यात्रा राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। दूसरा, ऐसी रथ यात्रा से बीजेपी पहले भी कमाल कर चुकी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस रथ यात्रा का जवाब कैसे देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। We'll be right back.